नमस्कार मित्रों, रेलवे ग्रुप डी सीरीज का अगला वीडियो लेके आ गया हूँ। इसमें रेलवे जोन और उसके मुख्यालयों के बारे में बताया जाएगा। भारत में कुल 17 मुख्यालय हैं, 17 जोन हैं और 17 मुख्यालय हैं फिलहाल जो है, और कुछ प्रस्तावित भी हैं। और इसी रेलवे मुख्यालय से उस जोन में रेल कंट्रोल की जाती है और इसी मुख्यालय से कर्मचारी का चयन भी किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मध्य रेलवे मुख्यालय मुंबई वीटी 1991 में। दूसरा, मुंबई वीटी का मतलब मुंबई विक्टोरिया टर्मिनल। दूसरा, दक्षिण रेलवे मुख्यालय चेन्नई 1951। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट 1951। मुंबई में दो मुख्यालय है, मुंबई वीटी और चर्च गेट, और कोंकण रेलवे का भी मुख्यालय मुंबई में ही है। पूर्व रेलवे कोलकाता 1952। उत्तर रेलवे नई दिल्ली 1952। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर 1952। गोरखपुर का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता 1955। कोलकाता में भी दो मुख्यालय हैं रेलवे के, एक पूर्व रेलवे का, एक दक्षिण पूर्व रेलवे का, और यहाँ पर जो है कोलकाता मेट्रो का भी मुख्यालय है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव, मालीगांव गुवाहाटी में पड़ता है, और पूर्वोत्तर के राज्यों में केवल एक मुख्यालय है रेलवे का, वो भी मालीगांव में है, गुवाहाटी में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे नौवां, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद 1966 में। पूर्व मध्य रेलवे दसवां हाजीपुर बिहार में है, हाजीपुर 2002 में मुख्यालय बना। ग्यारहवां उत्तर पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर है, और दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली है। हुबली जो है वो कर्नाटका में पड़ता है, और जयपुर राजस्थान में पड़ता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली है। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद 2003 में। 13वां पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर 2003 में। 14वां पश्चिमी मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर 2003 में इसकी स्थापना हुई। 15वां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, इसकी स्थापना 2003 में हुई, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। 16वां मेट्रो रेलवे कोलकाता 2010। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए रेलवे से रिलेटेड और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे भी आप लोगों को बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।